बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद शहबाज सलाम आलिगान 68 गेमिंग चैनल से। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में कुछ हिडन फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। WCC 3 का जो न्यू अपडेट आया है 0.4 वर्जन, इसमें कुछ हिडन फ्यूचर हैं। गेम बहुत सारा चेंज हो चुका है 0.3 से, तो वो क्या चीज़ें चेंज हुई है WCC 3 में, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चलने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो बेल आइकन है इसे कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम को ज़ाया करते हुए। नंबर वन पर जो हमारे पास ऑप्शन है रिकवरी ऑप्शन का, यानी कि पहले हम रिकवर करते थे तो हमें सिर्फ 3 रिकवर हम अपने बैट्समैन के स्टैमिना को रिकवर कर सकते थे एट अ टाइम। तो यहाँ पर एक और फीचर ऐड हुआ है, वो फीचर क्या है, जैसे ही हम अपने प्लेयर्स को 3 को स्टैमिना को रिकवर करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम 4th को रिकवर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। इसमें हम 300 से अगर हम परचेज़ कर लेते हैं 2 प्लेयर्स का स्टैमिना, 300 प्लैटिनियम से हम परचेज़ कर सकते हैं, और ये जो हम परचेज़ करेंगे ये ऑलवेज रहेगा, ये आपका एक दफ़ा नहीं रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा। अगर आप 300 कॉइन्स अपने खर्च करते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। आप एट अ टाइम 5 अपने प्लेयर्स के स्टैमिना को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, आउट ऑफ द स्लॉट गेट +2 रिकवरी स्लॉट्स टू ऑलवेज कीप योर बेस्ट प्लेयर्स इन। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है नंबर वन पर जो फीचर आया है, इससे आप अपनी स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं, 5 प्लेयर के स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 पर जो हमारे पास फ्यूचर ऐड हुआ है वो ये हिडन फ्यूचर, इसमें आपको न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट न्यूज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ हिंदी में भी आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी आपको मिलेगी, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होगी, जो वायरल न्यूज़ होगी, आपको इस ऑप्शन के ऊपर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद नंबर 3 पर जो हिडन फ्यूचर है, जैसे हम मैच को प्ले करते हैं क्विक मैच को, तो उसके बाद हमारे पास जो फ्यूचर आता है वो है हमारी जर्सी को चेंज करने का। यहाँ पर आप जर्सी को परचेज़ भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल आपको 2 किस्म की आपको जर्सी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आप बग़ैर पैसों के आपके पास अनलॉक रहेगी, अगर दूसरी आप अच्छे वाले आप करना चाहते हैं वो आपको बाय करना पड़ेगा। ये अभी तक अनलॉक है, बीटा वर्जन में है, इसी वजह से यह अनलॉक है, तो यहाँ पर आपको ये परचेज़ करना पड़ेगी। और उसके बाद फ्यूचर नंबर 3 में आपको ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, इसमें आपको जो जैसे ही आप अपने जो फील्डर्स को चेंज करते हैं उसका लेफ्ट साइड की तरफ आपको उनका नाम भी आएगा, और उनके जो स्किल्स हैं आपको ये भी बताएगा कि कौन सी स्किल्स आपने इम्प्रूव की है और कौन सी स्किल्स आपने अपग्रेड नहीं की है। यानी कि जैसे ही आप किसी फील्डर को चेंज करते हैं उसका नाम आपको मिल जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा प्लेयर कहाँ प्लेस की है, खड़ा की है, और किस जगह पे आपको करना है। तो अगर हम नंबर 6 वाले फ्यूचर की बात करें, यहाँ इसको इस फ्यूचर में आपको एजेस ज़्यादा मिलेंगे, अगर आपने अपने प्लेयर्स के जो अपग्रेड स्किल्स को अपग्रेड किया होगा बॉलिंग वाले स्किल्स को, तो आपके जो प्लेयर्स हैं, आपके जो बॉलिंग्स हैं, उससे आपको एजेस ज़्यादा लगेंगे, जिससे आप विकेट ज़्यादा से ज़्यादा आप हासिल कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें फ्यूचर नंबर 7 के बारे में, तो इसमें आपको जो स्कोर बोर्ड वाली जो लाइन है, इसमें आपको लीग ऑफ चैम का एक फ्यूचर ऐड किया गया है, निशान आपका ऐड किया गया है, आपको पता चलेगा कि आप किस बैच में हैं। तो कुछ ये आज के फ्यूचर थे जो मैंने आपको बता दिए हिडन फ्यूचर। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजम लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।